अब हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम जीआईटी की अगर बात करेंगे तो मैं तीन पोर्शन में बात करूंगा। फर्स्ट हमारा इसोफेगस कंप्लीट हो चुका है, तो अभी सेकंड पोर्शन हमारा क्या स्टार्ट होगा, स्टमक एंड ड्यूडिनम, स्टमक एंड ड्यूडिनम, ये वाला पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चंस डेवलप होते हैं वो है पेप्टिक अल्सर डिजीज से। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मेरा स्टमक है एंड ये मेरा ड्यूडिनम पोर्शन है। ठीक है, तो अगर अल्सरेशन मीन्स म्यूकोजल डिसकंटिन्यूटी, तो अल्सर जो डेवलप हुए हैं वो अगर इस पोर्शन में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर। एंड अगर ड्यूडिनम पोर्शन में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्यूडिनल अल्सर। और अगर दोनों जगह प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज, PUD। ओके, तो हमारे को एमसीक्यूज कहाँ से पूछे जाते हैं, हमारे को जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो रहता है इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट से, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या रहता है कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन, एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन अगर रहेगा तो क्या चांसेस बनते हैं कि वो ड्यूडिनल अल्सर करेंगे या गैस्ट्रिक अल्सर करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रिपल प्लस, मतलब आपको इतना सा ध्यान रखना है ड्यूडिनल अल्सर का मेन कॉज क्या बनेगा, एच पाइलोरी, पहली चीज लिख के रखना। देन सेकंड जो चीज है, NSAIDs इक्वली अफेक्ट करता है, एसिड रिफ्लक्स। ठीक है, एसिड रिफ्लक्स आपको पता होना चाहिए, एसिड मेनली निकलता कहाँ से है, गैस्ट्रिक से निकलता है। तो जो चीज एसिड यहाँ के लिए नॉर्मल रहता है, बट अगर एसिड सिक्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डेफिनेटली कहाँ पे डेवलप करेगा हमारा अल्सर, ड्यूडिनम में। तो ड्यूडिनल अल्सर में एसिड सिक्रेशंस ज्यादा मिलेंगे, एसिड सिक्रेशंस ज्यादा देखने को मिलेंगे, बट गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर नॉर्मल या डिक्रीज मिलेंगे हमारे को। तो यहीं से क्वेश्चन डेवलप होता है। ठीक है, ये पोर्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, एसिड सिक्रीशन अगर होगा भी तो जैसे कि मैंने अभी बताया था यहाँ पे कौन सी सेल्स होती है, कॉलुमिनर सेल्स रहती हैं जो कि एसिड के लिए क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। तो एसिड क्या होगा, एसिड आगे रिफ्लक्स हो जाएगा। तो अल्सर कहाँ पे डेवलप होंगे, एसिड सिक्रीशन ज्यादा होने से ड्यूडिनम अल्सर ज्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, तो एसिड सिक्रीशन अगर ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पे क्या डेवलप होगा हमारा, ड्यूडिनल अल्सर। बट गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप हो रहे हैं तो वहां पे एसिड सिक्रीशन क्या मिलेंगे हमारे को, आइदर नॉर्मल और डिक्रीज। ये चीज क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसीलिए हमारे को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चंस डेवलप होंगे। सेकंड, अगर बाइल रिफ्लक्स की बात करें तो डेफिनेटली बाइल अगर रिफ्लक्स होके हमारे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा स्टोमक में, तो वो किसको इरिटेट करेगा, गैस्ट्रिक को। तो बाइल रिफ्लक्स मेन कॉज बनता है हमारा गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, बाइल रिफ्लक्स। ओके, देन स्मोकिंग इक्वली इफेक्ट करता है। एंड फैमिली हिस्ट्री आपको ध्यान रखना है, थर्ड जो चीज है वो बनती है हमारी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द एसिडिटी अगर है तो वो क्या डेवलप करेगी, ड्यूडिनल अल्सर को। तो यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री प्लस 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 मिलती है, बट यहाँ पे कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती है गैस्ट्रिक अल्सर के लिए। तो ये हुआ हमारा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गैस्ट्राइटिस ड्यू टू द एच पाइलोरी इन्फेक्शंस। ठीक है, तो वो कौन से पार्ट में रहेगा, वो मेनली रहता है हमारा, जैसे कि ये हमारा स्टमक पोर्शन है, ये एंट्रल जो पोर्शन है, ये जो एंट्रल पोर्शन है, अगर एच पाइलोरी की इन्फेक्शन की वजह से, मैंने तो अभी तक तो क्या बताया था, ड्यूडिनल अल्सर डेवलप हो रहे हैं, बट अगर गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप होते हैं तो वो भी कौन से पोर्शन में होंगे, एंट्रल पोर्शन में। तो ये पोर्शन एंट्रल पार्ट आपने को याद रखना है। ठीक है, एंड एसोसिएटेड विद दी वही ड्यूडिनल अल्सर, वही ड्यूडिनल अल्सर अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगर इन्वेस्टिगेशन वाइज बात करें तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं, तो अपने को इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव अपने को पता होनी चाहिए। इन्वेजिव के अंदर आती है फर्स्ट एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या रहती है, क्विक रहती है एंड सिंपल रहती है। ठीक है, हिस्टोलॉजिकली एंडोस्कोपी से हिस्टोलॉजिकली एग्जामिनेशन करेंगे तो वो क्या रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। एंड कल्चर कराएंगे हमारे एच पाइलोरी के लिए तो वो भी क्या रहेगा, एच पाइलोरी अगर प्रेजेंट है तो वो डेफिनेटली शो करेगा कि वहां पे अल्सर है। ठीक है ना, तो कल्चर एंड हिस्ट्री आर दी एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशंस एंड
सिंपल अगर एनक्यूक की अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, क्वेश्चंस आए तो वहां पे आंसर क्या जाना चाहिए, एंडोस्कोपी। तो कुछ एमसीक्यूज में सारा खेल हमारा क्वेश्चन पे ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। वो अगर क्विक एंड सिंपल की बात कर रहा है तो हमारा आंसर जाएगा एंडोस्कोपी। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्यूरेट टेस्ट बताइए तो वहां पे हमारे को हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन या कल्चर एग्जामिनेशन हमारे को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नॉन इन्वेजिव टेस्ट की अगर बात करें, वहां पे क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में डायरेक्ट लिखा हुआ होता है नॉन इन्वेजिव टेस्ट कौन सा कराएंगे। तो वहां पे फर्स्ट टेस्ट रहेगा हमारा यूरिया ब्रीथ टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट हमारा कौन सा रहेगा, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। देन सेकंड रहेगा सीरोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें आईजीजी लेवल हम देखेंगे। देन एक चीज हमारे को मिलती है स्टूल एंटीजन टेस्ट। स्टूल एंटीजन टेस्ट यूजफुल फॉर दी फॉलोअप आफ्टर द ट्रीटमेंट, कि स्टूल में एंटीजन मिलते हैं जो कि एच पायलोरी की वजह से डेवलप होते हैं। अपने को इतना सा याद रखना है, स्टूल एंटीजन टेस्ट किसके लिए यूजफुल है, आफ्टर द फॉलोअप आफ्टर द ट्रीटमेंट, कि वो पूरी तरीके से एंटीजन निकले हैं या नहीं निकले हैं ऑफ दी एच पायलोरी के, ठीक है ना। तो स्टूल एंटीजन टेस्ट भी यूजफुल रहता है हमारे इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो डेवलप होते हैं, मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पे डेवलप होता है, कौन से पोर्शन में डेवलप होता है। अब एक स्टमक एंड उसी में सारे, ये लेसर कर्वेचर है। यहाँ पे इंसुसुरा एंगुलेरिस होती है, जहां से हमारा नेक्स्ट ड्यूडिनम पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक अल्सर की अगर बात करें तो वो कौन से पोर्शन में देखने को मिलेंगे, इस लेसर कर्वेचर पे देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल गैस्ट्रिक अल्सर की बात कर रहा है तो, ठीक है। अगर पूछ रहा है मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर की बात कर रहा है, पेप्टिक अल्सर में मैंने क्या बोला था, गैस्ट्रिक अल्सर प्लस ड्यूडिनल अल्सर दोनों ही इंक्लूड होते हैं, तो दोनों में से सबसे ज्यादा कौन कौन से कॉमनेस्ट होते हैं, ड्यूडिनल अल्सर कॉमनेस्ट होते हैं। ड्यूडिनम में भी कौन से पोर्शन में रहेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट पे। तो पेप्टिक अल्सर की बात करें तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ड्यूडिनम। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर बात करें तो वो क्या डेवलप करेगा, अल्सर है तो डेफिनेटली क्या करेगा, वो ब्लीडिंग करेगा। वो क्या करेगा, एंड ब्लीडिंग करेगा, ठीक है। तो ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन आर्टेरियल सोर्स ऑफ द ब्लीडिंग, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मोस्ट कॉमन आर्टेरियल सोर्स ऑफ द ब्लीडिंग इज गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, एंड यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, जो मैंने जब बात की थी ब्लीड की, तो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी से, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। और यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब सेकंड, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगी, चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट सीओटी या टीओसी कह सकते हैं, हाईली सेलेक्टिव वैगोटोमी फॉर दी क्रोनिक ड्यूडिनल अल्सर। अगर क्रोनिक ड्यूडिनल अल्सर है तो वहां पे हम क्या करेंगे, हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी कर देंगे, ठीक है ना। देन पाइलोरिक स्टिनोसिस भी एक तरीके से मिसनोमर है। क्यों मिसनोमर है, कि ध्यान से देखिएगा, ये जो पोर्शन है वो मेरा पाइलोरस पार्ट है, ओके। बट जो पाइलोरिक स्टिनोसिस डेवलप होता है उसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूटिनम। मींस कि हमारा पाइलोरिक स्टिनोसिस डेवलप कहाँ पे हो रहा है, हमारा फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ड्यूटिनम। स्टिनोसिस कैसे हो जाता है, ये हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूटिनम है, तो इसकी जो म्यूकोजा है वो क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफिड हो जाती है। तो इस तरीके से स्टिनोस हो जाता है तो फूड क्या होता है, आगे नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टिनोसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड, फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड। सेकंड मोस्ट कॉमनली सीन फोर्थ वीक आफ्टर द बर्थ। अगर मान लीजिए अगर बेबी हुआ है, जस्ट अभी बेबी हुआ है, तो
उसको सिम्टम कब आने लगेंगे, अगर वो जो भी मिल्क पी रहा है, क्योंकि 6 महीने तक वो तो मिल्क ही पीता है ना, तो वो मिल्क आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे स्टिनोसिस डेवलप हो चुका है, वहां पे क्या हो रखा है, स्टिनोसिस डेवलप हो चुका है, तो जो भी फूड पोर्शन है वो क्या नहीं जा पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो आफ्टर 4th वीक उसको सिम्टम्स डेवलप होने लगेंगे, और वो सिम्टम किस तरीके से हम देखेंगे अभी मैं बताता हूँ। बस अभी ये के लिए ये याद रखो, मेल फर्स्ट बोर्न मेल चाइल्ड में ये कॉमननेस देखने को मिलता है। देन अब जैसे कि मैंने बताया था, मिल्क लेता है तो वो मिल्क क्या होगा, आगे नहीं जा पाएगा, तो वो क्या होगा, रिवर्ट बैक हो जाएगा, एंड वो क्या करेगा, वोमिट कर देगा। चाइल्ड वोमिट मिल्क एंड नो बाइल, उसके अंदर कोई खट्टापन नहीं रहेगा, कोई बदबू नहीं रहेगी, क्योंकि बाइल पोर्शन भी इस तरफ नहीं आ पाएगा। तो जैसा मिल्क लिया है वैसा का वैसा वो क्या कर देगा, वोमिट आउट कर देगा। तो चाइल्ड वोमिट मिल्क एंड नो बाइल, ठीक है। बाकी वर्ड याद रखना, क्योंकि इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी रहती है कि हाइपोक्लोरेमिक एल्कलोसिस क्यों डेवलप होता है, या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकली एसिड यूरिया क्यों डेवलप हुआ, ठीक है ना। इन पोर्शंस को आप अभी छोड़ दो, बट अभी आप केवल वर्ड याद रखना, हाइपोक्लोरेमिक एल्कलोसिस डेवलप होता है एंड इमिडिएटली आफ्टर वोमिटिंग चाइल्ड फील्स हंग्री, ठीक है ना। जो भी हम एथ्यूजा में सिम्टम्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो भी उसने मिल्क लिया वो क्या हो गया, बाहर निकाल दिया, अब वापस से बच्चा रोने लगेगा कि मेरे को भूख लगी है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है पाइलोरिक स्टिनोसिस में, ठीक है। देन इन्वेस्टिगेशंस क्या रहेगी, यूएसजी करा के देखेंगे, और यूएसजी में हमारे को क्या देखने को मिल जाएगी, डेफिनेटली स्टिनोसिस पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक जो चीज रहती है वो रहती है फीड टेस्ट। हम क्या करते हैं, पेशेंट को फीडिंग कराते हैं, फीडिंग कराने के बाद में उसका पेट एब्डोमेन जो रहता है वो हम हाथ से पैल्पेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगर हाथ से हम पैल्पेट करते हैं तो यहाँ पे इस पोर्शन पे हमारे को जो जो भी फूड आता है या मिल्क होता है वो इस तरीके से शो होता है कि वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हाइपर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ फीड या फीडिंग टेस्ट, ठीक है ना। और डायरेक्ट नेम से पूछा जाता है, फीड टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टेस्ट ऑफ फीड किसके लिए किया जाता है। तो आंसर क्या जाना चाहिए हमारा, आंसर सीधा का सीधा हमारा जाएगा पाइलोरिक स्टिनोसिस, ओके। तो ये एमसीक्यूज यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। डंपिंग सिंड्रोम नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा, डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है। ओके, डंपिंग सिंड्रोम क्या चीज रहती है, जैसे कि ये हमारा इसोफेगस, ये स्टमक एंड देन ड्यूडिनम, ठीक है। अब आपको पता है जो भी हमारा फूड होता है वो हमारा स्टमक में कितनी देर तक के लिए रहता है, वो 2 आवर्स के लिए रहता है। कितने देर के लिए रहता है, 2 आवर्स के लिए रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि प्रॉपर एसिमिलेशन एंड जो भी HCl की वजह से उसका एसिमिलेशन होना है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, अगर 2 घंटे से कम रहता है, ठीक है। लेस देन 30 मिनट्स अगर रहता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डंपिंग। कि जैसे ही फूड आया आधे घंटे में उसने क्या किया, ड्यूडेनम में डाल दिया, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, पोस्ट सिबल सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट सिबल सिंड्रोम, पोस्ट सिबल सिंड्रोम। एंड पोस्ट सिबल सिंड्रोम को ही हम क्या बोलते हैं, डंपिंग सिंड्रोम दूसरा नाम है। कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी नाम से अगर पूछा जाए तो अपने को आंसर पता होना चाहिए, डिजीज क्या चीज है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं, एब्डोमिनल एंड वेस्कुलर सिम्टम विच रिजल्ट फ्रॉम द डंपिंग ऑफ द फूड स्टफ विद हाई ऑस्मोटिक फूड लोड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये हाई ऑस्मोटिक लोड के साथ में वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली हमारे उसमें लोड हो जाएगा ड्यूडिनम में, ठीक है ना। देन अगर हम बात करें, इसके 2 टाइप्स होते हैं, अगर या तो ना 30 मिनट से कम में ना डंप हो जाए, या लेट डंपिंग हो, ग्रेटर देन 2 आवर्स लेट डंपिंग हो। तो लेट डंपिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अर्ली डंपिंग। और एक वर्ड याद रखना, अगर पोस्टिबल की बात आ रही है तो वहां पे वो किसकी बात कर रहा है, अर्ली डंपिंग सिंड्रोम की बात कर रहा है, इतना वर्ड याद रखना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक
ठीक है। यहाँ पे इसकी पैथोफिजियोलॉजी दे रखी है, एक बार में समझने की कोशिश करना। लॉस ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द स्टमक, जैसे कि लॉस ऑफ द स्टोरेज क्यों, क्योंकि लेस देन 30 मिनट्स में वो क्या कर रहा है, फूड स्टफ को ड्यूडेनम में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। तो सेकेंड चीज है रैपिड एम्प्टिंग ऑफ द हाइपर ऑस्मोलरिटी काइम, काइम क्यों बोला, जैसे कि मैंने बोला था, अब जैसे ही हमारा इसोफेगस में था तब तक हमने इसको क्या बोला था, बोलस। एंड जैसे ही फूड हमारा ड्यूडेनम में आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं काइम, उसको हम क्या बोलेंगे, काइम। तो वो कैसा होगा, हाइपर ऑस्मोलर काइम होगा। देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड स्टफ इनटू द ल्यूमेन, अगर हाइपर ऑस्मोलर है तो उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा जो सेलुलर फ्लूड है वो कैसे आ जाएगा, ल्यूमेन में आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ल्यूमेन में आ जाएगा। ओके देन जो अब क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लूड की कमी हो जाएगी, फ्लूड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, वेजोमेटर सिम्टम्स डेवलप होंगे, जैसे कि वर्टिगो एंड मोटर सिम्टम्स डेवलप होते हैं, डेवलप हुए लेट डंपिंग में। इतना सा याद रखना, जैसे कि मैंने बोला था कि लेट डंपिंग हमारी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लेट डंपिंग में हमारे को इतना सा याद रखना है, वहां पे क्या चीज डेवलप होती है, वहां पे होती है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। ओके देन नेक्स्ट मेनिनजाइटिस डिजीज, मेनिनजाइटिस डिजीज के साथ में ही हम अपनी आज की क्लास को ओवर करेंगे। देन आपकी फिक्स 8:30 से डॉक्टर जिनिक्स आपकी रिपर्टरी क्लास को लेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू एक काम करना, आप लोग एंड करके 8:30 को रिजॉइन हो जाओ।